एक नंबर एनसीईआरटी के ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एयूसी पहले है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले है एनसीईआरटी में? एयूसी है, मतलब अपने उसी ऑर्डर में पढ़ाया भाई, चमत्कार हो गया भाई। सर एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं हम लोग कुछ देर में, ये हो गई डिस्कस खत्म 9.1। अगले दो स्टेटमेंट में, अरे ये ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट, इज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट अकरिंग इन द इक्वेशन, इज द हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अकरिंग इन द इक्वेशन, हाइएस्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट अकरिंग इन द इक्वेशन। आप घर पे जाके जब कॉफिशियंट और अकरिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कॉफिशियंट और कौन सा अकरिंग है। दूर से दोनों बिल्कुल सेम लेंथ, सेम कैलीग्राफी, बस सिर्फ स्टार्टिंग शायद अलग अलग है ना, एक सी से स्टार्ट हो रहा है एक ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए शायद समझ जाएंगे सेम फ्लो में लिखते हैं एकदम। सेकेंड डिग्री, डिग्री डिग्री देसी भाषा में इसे पावर भी बोलते हैं वैसे, जैसे एनएथ डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होता था, एनएथ पावर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन, अकरिंग इन द इक्वेशन आफ्टर इट हैज बीन, आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड, आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म, इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम, लिख लो तसल्ली से, ब्रेक दे दिया मैंने, आगना मत। पहला वाला एफ ओ आर एम है, फिर एफ आर डबल ई है, फिर एफ आर ओ एम है, फॉर्म फ्री फ्रॉम। कॉमा लगाने से हगने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो लगा लो इन अ फॉर्म कॉमा फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, एंड फ्रैक्शन हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस is called, is called the degree of a degree of the differential equation, degree of the differential equation bracket में लिख सकते हैं आप लोग अपनी भाषा में, बिफोर डिक्लेयरिंग द डिग्री एक्सप्रेशन
मस्ट लुक लाइक अ पॉलिनोमियल ए यानी साहिबा पुराने सारे पाप धोने का समय मिला एक बार फिर से मुझे सुनाई दिया बिफोर डिक्लेयरिंग द डिग्री एक्सप्रेशन मस्ट लुक लाइक अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बेसिकली हमने जो लिखा ना ऊपर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस और फ्रैक्शन तो उसका मेन एम यही है कि वो एक पॉलिनोमियल जैसा दिखना चाहिए ऑफ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स सिर्फ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एक्स और वाई कहीं भी पढ़े हो आई डोंट केयर लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो है वो एक पॉलिनोमियल जैसे दिखने चाहिए पॉलिनोमियल जैसे मतलब सीधी सी बात है उनकी पावरें खूबसूरत होनी चाहिए दैट्स इट बस कोई सड़ापा नहीं होना चाहिए कोई पावर माइनस नहीं होनी चाहिए कोई वो लॉग साइन के अंदर नहीं फंसे होने चाहिए एंड सो ऑन ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक नंबर एनसीईआरटी के लिए शुरू करिए एक एक नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती देखो क्वेश्चन नंबर वन ऊपर लिख लीजिएगा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स रेस टू दी पावर सिक्स होल रेस टू दी पावर वन बाय फोर ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहली बात ऑर्डर ऑर्डर जो है वो तो इक्वेशन को देखते ही नजर आ जाता है दैट इज ट्रू कैसे जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा है जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा है दैट इज दिस ये तो फर्स्ट ऑर्डर है ना भाई ये सेकंड ऑर्डर ये तो हो गया उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरी बात आती है डिग्री डिग्री जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर है यहां वन दिख रही है लेकिन वन नहीं है आंसर सही है कब लिखेंगे जब इसे पॉलिनोमियल हॉरेंट बना देंगे सुन रहे हो क्या मेरी बात ध्यान से सुनना अगर इस जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा होता क्या लिखा होता तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हुई तो इसकी डिग्री वन हो जाती तो इसकी डिग्री हग हम तब भी सकते हग वी नीड प्लेस यार टू हग एंड दिस इज द प्लेस हम तो फिर भी पावर चार चढ़ा देते और गिल सिप्पों की तरह डिग्री चार लिखे आते सुनो ध्यान से पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का बनना चाहिए एक्स और वाई किस अवस्था में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम एक्स और वाई के लिए थोड़ी खेल रहे हैं भाई साहब हम तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना डिग्री सिंपली जिस दिन डी वाई बाई डी एक्स का पॉलिनोमियल बन जाएगा उस दिन हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो पावर चढ़ी होगी वही डिग्री कहलाएगी समझ रहे हो इस जगह पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सड़ापे में फंसा पड़ा है ये अलाउड नहीं है दोनों साइड क्या चढ़ो पावर फोर पावर फोर करने पे लेफ्ट साइड में मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर फोर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर सिक्स अब भी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि डिग्री सिक्स लिखा हो क्यों क्योंकि हाईएस्ट पावर सिक्स हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो डिग्री है दैट विल बी द आंसर समझ आ गया इसमें बीच में मैंने एक मिलियन डॉलर चीज ही बोली है वो तो तुम लोग लिखते ही नहीं हो खैर मिलियन डॉलर तो बोली थी मैंने इसकी जगह अगर y प्लस एक्स स्क्वायर होता और उसकी पावर 1 बाय 4 चढ़ी होती तो डिग्री 1 ही होती तो डिग्री ओरिजिनल सिचुएशन के अंदर ही आंसर दे देते हम लोग दोनों साइड पावर 4 नहीं चढ़ाते अभी मुझे पावर 4 क्यों चढ़ानी पड़ी क्योंकि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फोर्थ रूट के अंदर फंसा हुआ था जो कि पॉलिनोमियल की तरह दिखना चाहिए क्लियर है चलो ठीक है ट्राई करो ना एक नंबर का तो सवाल है भाई आंसर बिल्कुल चिल्लाने की कोशिश ही मत करना मतलब मैं पूछ लूंगा खुद ब खुद
नहीं सर, वो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है सर, डी टू वाई तो यहाँ है ना, सॉरी ऑर्डर बताना, फिर वापस कह रहा हूँ, सबसे आसान ऑर्डर आप डायरेक्ट इक्वेशन को देख के बिना मैनिपुलेशन करे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ऑर्डर ऑर्डर इज वन, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर ही नजर आ रहे थे। डिग्री के लिए 2-4 ग्राम मेहनत करनी पड़ेगी। डिग्री इज, मैडम नहीं बताऊंगी, एक प्रीति कभी कभी निराश हो जाती है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऐसी दिखेगी। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया, फिर देखो अभी तो जाती हो जाएगी मेरे साथ। अभी भी नाराज है? अरे इसका एलसीएम ले लो यार, तो ये ऐसा बनेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होगा दैट विल बी नोन एज डिग्री, विच इज थ्री। ये डिग्री लिखी तुमने 1/ax प्लस बी वाई है भाई। भाई बहुत ही मासूम है भाई। ये डिग्री थोड़ी ज्यादा फैंसी नहीं हो गई क्या? लग रही है ना फैंसी। जब तक किसी ने वन लिखा था ना डिग्री के सामने, मैं बहुत खुश था यार। ऑर्डर भी टू पहचान लिया, डिग्री वन पहचान, फिर उसने अपॉन लगाया तो मेरे को टेंशन चालू। मैंने सोचा शायद 1/2 लिख रहा होगा, 1/3 लिखेगा, तो मैंने 1/ax प्लस बी वाई तो नहीं सोचा था। ये तो बहुत डेंजरस था भाई। कैसे सोच सकता है कोई, उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअली, अपन क्या सोच रहे हैं। हाँ जी, ऑर्डर 2 डिग्री, ऐसे O2D1 भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री टाइप। ऑर्डर 2 डिग्री 1, स्टाइल मारा अभी अभी जस्ट आया। O2D1, ठीक है। डी कोई होता है क्या? ड्यूटेरियम, रहने दो फिर, ज्यादा मुश्किल है। इसको हमने लिखा d2y is equals to e की पावर ax into e की पावर by लिख लो चाहो तो, और प्लस में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो xy है, तो इनकी कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पॉलीनोमियल बन चुकी है, हाईएस्ट ऑर्डर नजर आ रहा था 2, और उसकी पावर कितनी है 1, सो डिग्री 1, सिंपल है। ऑर्डर 3, ऑर्डर तो नजर आ जाता है साफ साफ, डिग्री नॉट डिफाइंड। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि एक नंबर भी एनसीईआरटी फ्री में देने के लिए बैठी है तो ये गलत फहमी है भाई साहब तुम्हारी। ऐसा थोड़ी होता है कोई, तुमने तो मजाक मान लिया यार बिल्कुल। ऐसा फ्री फोकट थोड़ी मिल जाएगा। डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि आप जब पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, इस वाली चीज को राइट साइड में ले जाके लॉग लोगे, ठीक है। तो आप तो खुश इसलिए हैं क्योंकि आपने क्या किया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था है उसको किसी तरह से जमीन पे उतार लाए। उनके नीचे वालों को भी देखना पड़ता है भाई साहब कि वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लॉग में फंसा पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा। और कमाल की बात यह है कि आप इन दोनों को एक साथ खुश नहीं कर पाओगे, या तो ये हवा में जाएगा तो ये जमीन पे आ जाएगा, नहीं तो ये लॉग के अंदर फंस जाएगा। तो आप इसे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं ला पाओगे किसी भी सूरत में। अरे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रहना चाहिए, ये चीज अगर अंदर फंस गई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ln के अंदर, साइन के अंदर, बोल भी दिया था मैंने थोड़ी देर पहले
साइन के अंदर कॉस के अंदर अगर ये चीज़ें फंस गई तो फिर उस चीज़ की डिग्री डिफाइन नहीं करी जा पाएगी। क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज 9.1 डन, मुबारक। एक एक्सरसाइज सॉल्व कराए, देखो मैंने बिना पैसे लिए एनसीईआरटी कराता हूँ।